सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। हाय मून तेरा बेड़ा तर जाए, हाय अल्लाह तुझे सुहाग रात वाले दिन मौत आए, अल्लाह तेरी बरात को आग लग जाए, तेरा बेड़ा तर जाए, तेरा कुछ ना रहे। आए बस कर दे फूको ना, कैसे बस कर दूं मैं, है देखा नहीं है वो लड़की कैसे शेखियां मार के गई है, बेड़ा तर जाए उसका, अल्लाह करे कि लहंगे में जूती अड़ जाए, मुंह के बल स्टेज पे गिरे और फिर आंख जो है ना मौत से पहले अस्पताल में खुले उसकी। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। तू रुक जानी, हम ना ईट का जवाब पत्थर से देंगे, उसी दिन हम रोहेल खान के साथ तेरा ब्याह कराएंगे। कैसी बातें कर रही हैं, पागल हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराहट देखकर तो लग रहा है जैसे कामयाब लौटी हो। खुश नहीं हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। इसका मतलब है कि कामयाबी नहीं हुई, तो फिर मुस्कुराने की वजह? ऐसे मुस्कुराकर घबराए हुए दिल को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इंसान जब अनजाने में किसी को धोखा देता है ना, तो उसका दिल बेचैन रहता है। दिल को चाहे बेवकूफ बना लो, मगर किस्मत का क्या करोगी? ओहो दाइमा, इश्क का वो भी ना बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह होता है। अगर सर पे सवार हो जाए ना, उसकी आवाज से ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही समझने की कुव्वत बाकी रहती है। बस आप मेरे लिए सिर्फ दुआ करें, हमेशा मुस्कुराती रहो। मुझे खुशी और कामयाबी के लिए दुआ नहीं देंगी? खुशी और कामयाबी दुआओं से नहीं मिलती बेटा, अमल से मिलती है। दुआ तो वो भी करता होगा जिसका दिल टूटा हो। हाँ तो आप ये दुआ करें ना कि उसकी दुआ कबूल ही ना हो। मैं दुआ करूंगी कि उसकी दुआ तो मैं आ बन के ना लगे, क्योंकि कभी कभी कमजोर का सबर ताकत पर को शुक्र करने का मौका भी नहीं देता। सलामत रहो। लगता है दाइमा को छुट्टी देके घर भेजना होगा, हर वक्त हॉरर फिल्मों की तरह डराती रहती है। अच्छा कुछ चैन भी खत्म हो जाता है। डोंट वरी दाइमा, महरू हनी की दुआ कबूल होने से पहले ही उनके साथ इश्क कर जा रहे। बाय बाय बाय, ऐसी खबर लाया हूं कि आप मेरा मुंह चूम लेंगे। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अच्छे दिन की उम्मीद लाया हूं, पक्की खबर है हनी के बारे में। हनी के बारे में क्या? उसकी मंगनी वंगनी नहीं हुई, पक्की खबर है और ना वो दोनों साथ है। ये तुझे कैसे पता? आपकी हालत देख के मजबूर हो गया था, कॉन्टेक्ट निकाले, पता करवाया, तो वो बस दोनों साथ काम करते। हीरो का घर है तो लड़कियां तो आती जाती रहेंगी ना। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा हीरो है तो क्या उसकी मंगनी सिर्फ एक हीरोइन से होगी? उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। क्यों वो हीरो इसका साथ दे रहा है? क्यों हनी इतनी रात को उसके घर पर थी? ये कराची है भाई, यहाँ शोबिज वाले जो है ना, जब काम करते हैं तो ना दिन का पता होता है ना रात का। शायद ये हीरो चांस मारने के चक्कर में दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हनी,
वो ऐसा क्यों करे? आपसे नफरत जो करती हैं, आपको सजा देने के लिए, उनकी नजर में तो आप फुल गलत हो ना भाई। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? रोहिल खान ने हमारी उलझी हुई कहानी को मजीद उलझा दिया। मेरे खिलाफ उसके सारे खड़े हुए। मुझ पर हाथ उठाकर मेरे सामने उसका हाथ थाम कर चली गई। सही कह रहे हो भाई, इस शहर के अमीर ज़ादे जो है ना, पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर अगले का पत्ता ही साफ कर देते हैं। ये कहानी हनी और मून की है, ये मून की ही रहेगी। और रोहिल खान, उसका क्या? औरती के बीच में आ गया, अब वक्त आ गया है उसके किरदार को खत्म करने का। दी एंड। ये चीज मेरे अजीज, पुत्र पानी ले भी आ हुण। जी बन। भैया बैठ जा। मुझे ये बता, अपनी माँ और बहन की तरह तू ये सोचती है कि मैं तेरा दुश्मन? नहीं अब्बा जी। देख पुत्र, ये जो इज्जत और शोहरत होती है ना, ये बहुत ही नाजुक चीज होती है। इस पर कोई हरफ ना आए इसके लिए कई दफा अपने जज्बात की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, वरना लोग तो तैयार बैठे हैं आपकी इज्जत को उछालने के लिए सड़कों पे। जी बाजी। कितना आसान है ना मर्दों के लिए औरत से अपनी इज्जत की खातिर कुर्बानी मांगना, अपनी गैरत की खातिर कुर्बानी मांगना। ये मर्द खुद से औरत की इज्जत क्यों नहीं कर सकते? उनकी खुशी की कदर क्यों नहीं कर सकते? वो कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? तो चुप रह, ये बाप बेटे का मामला है, हमें बात करने दे। तो यूं कहो ना, सच ना बोल, क्योंकि ये मामला एक बाप की इज्जत और उसकी खुददारी का है, जो अपनी अना की खातिर बेटी से कुर्बानी मांग रहे। देख तो मैं बाहर देख के आती हूँ अब्बा जी। मेरी और मून की शादी का नोटिस, हम शादी कर रहे हैं। मून को वैसे भी एक मजबूत सहारे की जरूरत है,
अच्छा वो उसे तुम मिल गई। मोहब्बत करता है वो मुझसे। तुम्हारी तरह नहीं है जिसने इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए रोहिल के साथ अफेयर चला लिया। सुभान संभाल के बात करो। खामोश क्यों खड़ोता है? मुकामा तेरा काम है ठीक। चाचा आपकी अना और जिद ने दोनों घर तबाह कर दी। मैं बस दो बातें कहना चाहता हूं, ना सही लगे तो ये कहानी शुरू होने से पहले खत्म कर देना। ठीक है बोल, लेकिन ऐसे सोच के बोले मैं तेरी कोई गल नहीं सुनूंगा। चाचा इंसान अपनी औलाद और अपनों की खुशियों के लिए जिंदगी में दोजख तक कमा लेता है। इन सब में से किसी एक से पूछें, कोई एक भी खुश है? किसी एक का दिल भी खुश है? नहीं ना। खुदा की कसम चाचा, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए भी उतनी इज्जत है जितनी अपने सगे बाप के लिए। यूं सबको एक दूसरे से दूर कर आप भी तो अकेले रह गए। और मैं ये बात जानता हूं कि मेरी बातें आपके दिल को लग रही हैं, क्योंकि बाजायर देखने में शबीर अहमद और कबीर अकबर एक सख्त दिल इंसान है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि इन दोनों का दिल किस कदर नरम है। अब फैसला आपके हाथ में, या तो ये बंदूक उठाएं और मार दें मुझे गोली और बचा लें अपनी अनाथ, या ये सारे रिश्ते। रिलैक्स खान, रिलैक्स। घबराने की जरूरत नहीं है यार। मगर पैसों के बगैर नहीं बनती ना यार। अभी मुल्क से बाहर जाना है, वहां के अलग मसले होंगे। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? अभी नया इन्वेस्टर है, इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड? एक्सपीरियंस तो उसको अब लेना पड़ेगा, करोड़ों रुपए लग चुके हैं उसके, और कोई चॉइस नहीं उसके पास। कल मीटिंग है मेरी उसके साथ, देखते हैं क्या होता। वैसे खान साहब, अगर आप कहें तो मैं खुद पर्सनली बात करूं उससे। नहीं नहीं, मैं करता हूं कुछ। अभी हमें काम पे फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं लाइट करवाता हूं, फिर आप लोगों को बुलवाता हूं। ओके ओके खान साहब। खान साहब, इस फिल्म के लिए मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स जोड़े हैं, बहुत डेट्स कैंसिल की हैं। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर ये फिल्म रुकी ना तो मेरा बहुत नुकसान होगा यार। मेरा तो सब कुछ लगा हुआ है दोस्त, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास दो चार नए इन्वेस्टर्स हैं,
इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो। इंशाल्लाह गुड लक ब्रो। All good? Is everything all right? Yeah. Everything's okay. अच्छा एक बात कहूँ? जी। इंसान हो या प्रोजेक्ट्स, उम्मीद बस उतनी ही लगाइएगा कि खुदा ना खास्ता उम्मीद टूटे तो हम कायम ही रहेंगे। Wow. Actually, मेरा दिमाग इतना मजबूत नहीं है आपकी तरह। अंदर के तूफान की झलक भी चेहरे पर आने नहीं देती। कैसे करती हैं ये कला, ये आर्ट? मुझे भी सिखाए ना। आर्ट नहीं है, बस एक्सपीरियंसेस है जो टाइम के साथ साथ मिले हैं। लेकिन मैं दुआ करूंगी कि आप कभी इस चीज से ना गुजरे। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। वैसे दुआ के साथ साथ दवा की भी बहुत जरूरत है। साथ कैसे झेल? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह खुद से बातें कर रहे हो? कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारे दिल की सुनना चाहते हैं। दिल की बात दिल ही में रह जाए तो वो सुन लेता है। सभी तो उसी से इल्तिजा हो रही थी। जब नतीजा निकल आए तो पास होने की दुआ करने का कोई फायदा नहीं होता। मुझे नतीजा तो अभी बाकी है। मैं हनी से मिली थी। हनी से? क्यों? सोचा शायद कोई जवाब देते मुझे वो। तुम्हारे सवालों का, तुम्हारी इस तड़प का यकीन कर ले। क्या जवाब दिया उसने? उसने तो साफ साफ जवाब दिया कि उसके पास वक्त ही नहीं है मुड़के देखने का। वापसी तो दूर की बात। वो और रोहेल खान झूठ कहती है। वो कोई मंगेतर नहीं है उसका। वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही है मुझे तकलीफ देने के लिए। इस्तेमाल तो तुम हो रहे हो मून। बहुत भोले हो तुम। इस शोबिज में लोग ताल्लुक का इश्तिहार नहीं लगाते। यहाँ तो बहुत सारे लोग शादियां तक छुपा के रखते हैं। जो जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। हनी बिक गई है वो। उसने साफ साफ ये कहा है कि वो आगे बढ़ना चाहती है। तुम्हारी वो याद, तुम्हारा साथ वो एक बुरा ख्वाब समझ के भूल चुकी है मून। तुम भी भूल जाओ। अब फैसला तुम्हारा है। या तो दिल की सुनते रहो या फिर जो मैं देखकर आई हूं उसका यकीन करके अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरे लिए हनी के पास जाना है मुझे। क्या करोगे जाके वहां? एक नया तमाशा? कितनी बार कहे वो तुमसे
जब रोहेल खान का हाथ पकड़ के तुम्हें पैगाम दे रही थी ना, तो उसकी नजरों में कहीं मून नहीं था। उसके घर में, उसकी जिंदगी में सिर्फ रोहेल खान था, बस। और अगर फिर भी तुम तसल्ली करना चाहते हो तो कर सकते हो। शूटिंग नहीं खत्म होगी, जल्दी घर आ गई है। अरे फूफो आप लोग आ गए, मेरा पैकअप जल्दी हो गया था तो मैं घर आ गई। कैसी रही आप लोगों की शॉपिंग? हाय अल्लाह तुझे खुश रखे हनी, इतना मजा आया। अपनी मर्जी की ऐसी शॉपिंग मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं की है। हमने खाया पिया घूमे फिरे, इतने जूते और कपड़े खरीदे, फिर भी पैसे बच गए। अच्छा इसका मतलब है आप लोगों ने काफी एंजॉय किया, आप खुश है ना? बहुत ऐसा वैसा एंजॉय किया, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सबसे ज्यादा एंजॉय ना दुकान वालों ने किया है, पता है? वो कैसे? सारी ब्रांड्स की सेल पे जाकर ना ये सबसे डिस्काउंट मांग रही थी, लड़ रही थी सबसे, और वो दुकानदार सारे इनको समझाते रहे। हाँ तो और क्या है, हमारी हक हलाल की कमाई है, कोई हराम के पैसे नहीं जो ऐसे रोड देते हम। फूफो आप पैसों की फिक्र ना करें, बस आप एंजॉय करें। लेकिन फूफो आप ये बात सुन लें, ब्रांड्स की जो प्राइस होती है ना वो फिक्स होती है, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है। अच्छा जी, ये जो मीरो वाले चोंचले हैं ना, ये वक्त के साथ साथ आए जाएंगे, वैसे होते बड़े मजेदार हैं। कुछ लोग तो सिर्फ चीजें इसलिए नहीं पसंद करते कि आसानी से हासिल हो जाती हैं। बस ऐसे ही होते फूफो, जो चीज आसानी से मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती और ना ही खोने का दुख होता है। सुपरस्टार 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। हे मुबारक हो, है होते कितने हैं वैसे ये? 20 लाख से भी ज्यादा। ये करते क्या है? स्टार्स की पिक्चर्स और वीडियोस देखते हैं और उसको लाइक करते हैं। इतने सारे लोग मेरी हनी को देखते हैं, नजर लगा देंगे। मैं हनी की ना नजर उतार लूं, ये पकड़ अंदर लेकर आ सारे थे। ओफो ये बैग्स मैं रख कर आती हूँ। मेरी नजर तो उतार लेंगी फूफो, पर वो जो नजरों से गिरकर दिल में फंसा रह गया उसका क्या करूं? शुक्र है शबीर अहमद के भी सुधरने का वक्त आ गया। अम्मा मुझे तो अब भी यकीन नहीं है। अगर सुबह का पूला शाम को वापस आ जाए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए, पता नहीं पहले ही कितने दिल टूटे हैं, कितने जख्म लगे हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके खुशियों के दिन वापस आने वाले। मेरे मोहन को भी वापस लेके आए, अगर उसकी खुशी पहले ना मनाई तो हर खुशी काली काली लगेगी। सब अच्छा होगा फरीदा, कोई किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी, और हनी और मून का हक उनको मिलकर रहेगा। बस एक बारी वापस आ जाएं दोनों, सारे जख्म भर जाएंगे। अपनी हनी के सारे चाव पूरे करके रानों को घर लेके आएंगे, और फरीदा अपना मून दूल्हा बनेगा ना तो हारून को भी सेहरा बनेगा। पता नहीं कितनी मुश्किलों से दिन गुजारे होंगे उन्होंने। अम्मा भाई अगर मेरा पुत्र नाराज भी होगा ना तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। और अगर शबीर भाई ने उन्हें माफ नहीं किया तो? माफ तो वो दोनों हमें करेंगे,
हम अपनी खुदगर्जियों में उन दोनों का इम्तिहान लेते रहे। उन्हें रिश्तों की छांव से दूर तपती धूप में दौड़ने के लिए मजबूर भी तो हम ही ने किया था ना। बड़ी गलती होगी अम्मा, शब्बीर भले खफा हो जाए लेकिन उसकी खुशियां वापस आ कर रहेंगी। इंशाल्लाह रब सोना खुशियों के सारे दिन वापस लेके आएगा, तुम देखना सही। इंशाल्लाह। अरे हाँ, अब मेरी तो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आई। अच्छा ये फिल्मी दुनिया शुरू से मुझे बहुत पसंद है, जितनी रंगीन है उतनी संगीन भी है, इसीलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। तुम दिल के करीब हो, तुम्हारे से पहले भी काम किया है, कोई मसला है तो बताओ, हल कर देते। बहुत शुक्रिया, बड़ी उम्मीद लेकर आया था आपके पास। मेरा सारा पैसा मेरी मेहनत से फिल्म पे लग चुकी है और आधी से ज्यादा फिल्म भी शूट कर ली है। बन क्यों नहीं रही है, मसला क्या? मेरा पार्टनर तंग कर रहा है मुझे भाई, उसने सारा पैसा रोक लिया, चलती फिल्म फिर से रुक गई और नुकसान अलग से। अच्छी फिल्म बना रहा है, मजा आएगा। भाई आपने मेरा काम देखा है पहले, अच्छी स्क्रिप्ट है, म्यूजिक बहुत अच्छी है, हीरोइन हीरो सब। ठीक है। मैं तो तुझे जानता हूँ, ठीक है तू फिल्म बना, अपनी मर्जी से बना, शुरू से अंत तक तुझे सरमाए की कमी नहीं होगी, बल्कि पार्टनर की जरूरत भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया भाई, मैं कल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास हाजिर हो जाऊँ। अरे मैं दो दिनों के लिए जा रहा हूँ, दो दिन बाद फोन पे बात करना। ठीक है भाई। वो हीरो हीरोइन कौन है? भाई रोहेल खान, उसको तो आप पहले ही जानते हैं, पहले काम भी किया। हीरोइन नहीं है, हुरैन चौधरी। अच्छा नहीं है, अब मैं तो इसको नहीं जानता। चल ठीक है, तू दो दिन बाद मुझे फोन करना। हाँ वो यार एक फिल्म का डायरेक्टर आया हुआ था, उससे बात कर। हाँ उससे पहले भी फिल्म बनवाई थी, तो उसको फाइनेंसर भाग गया, वो कह रहा फाइनेंस कर दो। मैं कहा चलो कर देते। हाँ लड़की नहीं है, चलो देखते। ओके हो, बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा खुश रखे तुम दोनों। तू तो जानता है यार, ये मेरे बस की बात है ही नहीं, सबको दुख देकर आए थे यहां, अब अपने अपने हिस्से की सजाएं काट रहे, मेरी लौटेंगे। तू कह दे सबसे, मर गए हनी और मोहन। मोहन मोहन फोन बंद कर दिए, अब मेरी बारी आई तो याद नहीं आ रहा। या अल्लाह मुझ पे भी रहम कर दे। हुस्न ऐसा है कि तुम रूप से सरशार भी हो, रूप ऐसा है कि तुम हुस्न का शाहकार भी हो, दिल के सौदे में मगर हुस्न ही काफी तो नहीं, प्यार कर लूंगा बताओ तो वफादार भी हो, दाम बोलो तो लगाए से भी मिल जाते। वाह बड़ा अच्छा इंसाफ है ये उनका, अब अपना दिल माना है तो मान गए, मेरी खुशी की खातिर तो कोई भी नहीं माना था। मेरा जो बिगड़ गया क्या वो ठीक हो जाएगा? मेरी खुशी के सामने तो सब दीवार बन के खड़े हो गए थे, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और अब अगर वो मोम हो गए हैं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हनी अब पत्थर हो चुकी है। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा तो अब हनी भी बस अपने लिए सोचेगी, खुद को इतना मसरूफ कर लूंगी कि किसी की याद तक ना आए।
कमाल करते हैं भाई जान भी, ये मौत पहले पड़ जाती तो हम मजबूर यहाँ पे तो ना होती ना। भाई बाबा आप समझ रहे हैं ना, तुम्हारी बहन हो हम तुम्हारी हर बात समझते। देखो बच्चे, ख्वाहिश तो हमारी भी यही है, लेकिन ये मसला है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। कैसा मसला? देखो बेटा, पहले तो मैं ये समझ रहा था कि तुम दोनों की ख्वाहिश है, इस मौजू पे जब भी मुंह से बात की उसने बात पलट दी, ना कभी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार किया। जब भी शादी से जुड़ी कोई भी बात की है तो वो बड़ा खामोश रहा है, उसने कभी अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। बेटा उसकी इस खामोशी मजबूरी की झलक दिखाई दे। नहीं नहीं भाई बाबा, वो तो बहुत खुश है, वरना वो इनकार कर देता। तो बेटा इकरार भी तो नहीं कर रहा ना, ऐसा क्यों सोच रहे? क्योंकि बेटा हम आप दोनों को जानते हैं, आप दोनों हमें जान से ज्यादा अजीज हो, और फिर मून ने तो मेरी जान बचाई। देखो बेटा, तू हमारी इज्जत करता है, हमारे सामने सर झुका देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी इस अच्छी आदत से नाजायज फायदा उठाए। लेकिन भाई बाबा मून खुश है, वो बहुत खुश है। तो हम भी बहुत खुश है। तो फिर ये बेटा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तुम दोनों की जिंदगी का सवाल कुछ सवाल है जिनका जवाब चाहिए, उसके बाद फैसला करें। मून को मेरे पास भेजो। ऐसे क्या देख रहे हैं? बॉस, जब किसी को सही प्यार होता है ना तो उसे देखने में भी मजा आता है। बस वही एंजॉय कर रहा था। लेकिन देखने वाले को उसके दिल के हाल का कभी पता नहीं चलता। ये तो बताएं बॉस, आपको कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा। एक दिल की बात बताऊं तुझे, अकेला रह रहे के थक गया हूं यार, यहां वहां भटक के। अब बस ठहराव चाहता हूं जिंदगी में, रुक जाना चाहता हूं। तो बस फिर पहला मौका देखते ही घुटनों बल बैठकर यूं ने पेश कर दे। ऐसे नहीं प्यारे, ऐसे नहीं। रोहेल खान हुरैन चौधरी को प्रपोज करेगा तो स्टाइल से। अभी फिल्म की शूट होने दे, हो सकता है आखिरी स्पेल तक उधर ही भाभी बन जाए। सच बात बताओ, अभी तक मैं हिम्मत ही नहीं जोड़ पाया यार। अंगूठी देने का सोचता हूं तो दिमाग में घंटियां बजती हैं यार, घंटियां। हेलो, सिखाओ मत मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है।
तेरा नहीं क्योंकि मैं ग्रीन हूं।